हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम द्रव्य गुण सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम अपनी ड्रग्स कवर कर रहे थे और आज उसे हम अपनी भूमि अमल की कवर करेंगे। तो भूमि अमल की सबसे पहले क्या, उसका गण माना गया है कासहर और श्वासहर। श्वासहर अकॉर्डिंग टू चरक जी माना गया है, इसका गण माना गया कासहर और श्वासहर। लैटिन नेम इसका फाइलेंथस यूरिनेरिया होता है और फैमिली यूफोरबिशी इसकी फैमिली होती है। इसके प्राय और किस किस नाम से इसको जाना जाता है, भूधात्री, तामल की इसे छोटा आंवला इस पे लगता है इसलिए इसको तामलकी बोला जाता है। बहुपत्रा, जैसे नाम से पता लग रहा है कि बहुत सारे पत्र, तो मतलब इसे छोटे छोटे अनेक प्रकार के पत्र लगते हैं इसलिए इसको बहुपत्रा बोला, जैसे कि हम ये देख सकते हैं इस फोटो में, इसमें इसको बहुपत्रा इसलिए माना गया है। आगे इसमें बहुफला, फल की संख्या बहुत अधिक होती है इसलिए इसे बहुफला बोला गया है। शिवा, रोगियों के लिए कल्याणकारी होता है इसलिए इसे शिवा बोला गया है। स्वरूप, शुभ, आधा से एक फुट होता है, पत्र आंवले की तरह किंतु छोटे होते हैं, पुष्प उसके छोटे और पीत वर्ण के होते हैं, मतलब जिसपे फूल लगते हैं छोटे और पीले वर्ण के होते हैं। फल आंवला सदृश और गोलाकार होता है, बीज अनुप्रस्थ और खाद्य युक्त होता है। वर्षा में इसके शुक निकलते हैं, शरद में पुष्प और बाद में फल आते हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जो है पेड़ सूख जाता है। रासायनिक संगठन इसका देखा जाए तो तिक्त घटक इसमें होता है और एक शराब इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत यही होता है इसमें से। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है रस पंचक। तो रस इसका क्या बताया गया, तिक्त कषाय मधुर, यानी पित्त का जो है वो शामक बताया गया तिक्त कषाय मधुर से। गुण इसका लघु रुक्ष गुण बताया गया है, शीत वीर्य बताया गया और मधुर इसका विपाक बताया गया है। कर्म इसका कफ पित्त शामक मेनली माना गया है। आगे आते हैं इसके प्रयोग, बाह्य प्रयोग में देखा जाए तो व्रण का रोपण करता है, शोथहर होता है, कुष्ठ घन होता है और चरम रोग यानी स्किन डिसीज में भी ये कार्य दिखाता है अपना। आगे इसमें क्या बताया गया है, दीपन पाचन यानी पाचन तंत्र में इसका देखा जाए तो दीपन पाचन माना गया है, अनुलोमन माना गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट यकृत उत्तेजक माना गया है, यानी जो हमारा लीवर होता है उसको भी ये अच्छा करने का कार्य करता है। आगे इसमें क्या बताया गया है, रक्त शोधक और रक्त पित्त, यानी जो हमारा रक्त में संस्थान है उस पर कैसे कार्य करता है, रक्त का शोधक और रक्त पित्त में यह बहुत अच्छा इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। श्वसन संस्थान में कासहर और श्वासहर इसमें देखने को मिलता है, प्रजनन संस्थान में योनि दोषहर में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल देखने को मिलता है, मूत्रवय संस्थान में प्रमेह घन होता है, त्वचा में कुष्ठ घन होता है और अपताप्रम में ज्वर घन, विशेषता विषम ज्वर में प्रतिबंधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसका सात्विक ग्रहण देखा जाए तो बल्ले और विष घन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोग देखने को मिलता है। आगे इसमें आता है इसका क्या हमें यूज करना चाहिए, परियोज्यांग में इसको हम पंचांग इसका सब कुछ यूज कर सकते हैं। मात्रा स्वरस की 10 से 20 ml, चूर्ण की 3 से 6 ग्राम हमें यूज करनी चाहिए। विशिष्ट योग चवन प्राश में इस हमें देखने को मिलता है। अब आता है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आम्यक प्रयोग कि चिकित्सा की दृष्टि से कैसे प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हिक्का में यानी हिचकी में भूमि अमलकी को मिश्री के साथ देने से हिक्का का रोग ठीक हो जाता है। रक्त प्रदर में भूमि अमलकी को तंडुलोदक के साथ सेवन कराना चाहिए। मधुमेह में भूमि अमलकी प्लस कली वीर्य का चूर्ण हमें प्रयोग करना चाहिए। नेत्र पीड़ा में भूमि अमलकी को ताम्रपत्र के जल के साथ पीसकर लेप करेंगे तो नेत्र की पीड़ा यानी जो आंखों में दर्द होता है वो ठीक हो सकता है। मलेरिया में पंचाक का क्वाथ हमें सेवन कराना चाहिए। कामला में भूमि अमलकी की जड़ को दूध में पीसकर सेवन कराने से कामला यानी जॉन्डिस में भी हमें बहुत लाभकारी ये देखने को मिलता है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।